जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में जो टॉपिक, प्राचीन भारत में बात करते हुए जो टॉपिक शेष रह गए थे या जिनके बारे में चर्चा हम बहुत कम कर पाए थे, उन टॉपिकों में आज हम चर्चा कर लेते हैं भगवान बुद्ध की और उनके द्वारा शुरू किए गए बौद्ध धर्म की। हालांकि हमने पहले इस बात पर भी बात की है कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, शारनाथ में शीख दी और कुशीनारा में प्राण। एक दोहा, एक स्लोगन गौतम बुद्ध के जन्म, उनके कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के स्थान, उनके ज्ञान या प्रवचन देने के स्थान या उनकी मृत्यु के स्थान को याद कराने के लिए हमने पहले उस पर चर्चा की थी। तो बुद्ध भगवान सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, फिर बुद्ध के द्वारा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, अपने उपदेशों के माध्यम से कैसे जन जन तक पहुंचाया गया और दुनिया में, भारत में बौद्ध धर्म उभर कर आया, और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण क्या थे कि उस 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के जीवित रहते रहते इतना आगे बढ़ गया। लेकिन इतना आगे उनके काल में तो बढ़ा, लेकिन आज अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म आज भारत में संकट की स्थिति में दिखता है, या भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से अनुयायी आपको दिखाई नहीं देंगे। ये संपूर्ण यात्रा के दौरान हम चर्चा करेंगे कि ध्यान रखना, आपकी इस बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। ये बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म जो मगध महाजनपद के काल में, जो 600 से लेके 300 BC तक के मगध महाजनपद के पराकाष्ठा का काल है, उस मगध महाजनपद के काल में ये बौद्ध धर्म पराकाष्ठा पर था, पीक पर था, उच्च पर था। वो बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति में कैसे हो गया कि आज भारत में बौद्ध धर्म का कहते हैं मात्र अवशेष, अवशेष मात्र शेष बचा है। खैर, जिस बौद्ध धर्म ने, ध्यान रखना आपको, जिस बौद्ध धर्म ने कहते हैं भारत को और दुनिया को बहुत सी बातें दी हैं, बहुत सी ग्रहण करने योग्य बातें दी हैं, बहुत से सिद्धांत दिए हैं। अभी ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने UNO में बोला था कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। भारत ने दुनिया को शांति और अहिंसा दी है, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिए हैं। आज जहां दुनिया में देश लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इसराइल फलस्तीन क्राइसिस है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया क्राइसिस है, ध्यान रखना इवन इंडो पाक क्राइसिस भी है, उस समय में, ध्यान रखना उस समय में कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहते हैं कि युद्ध की प्रासंगिकता को नकारते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से ये कहा जाना भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता को बताता है कि हमने दुनिया को बुद्ध नहीं दिए, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिए, हमने दुनिया को दिए हैं बुद्ध। ध्यान रखना बुद्ध दिए हैं। हालांकि अहिंसा की नीति को दुनिया में कोई कमजोर हमें ना माने, अहिंसा की नीति के कारण हमें कोई कमजोर ना माने, इसलिए किसी विद्वान ने ये कहा भी है कि आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी चुन सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है, युद्ध की संभावनाओं में जी रहे ये देश सुन लें, युद्ध की संभावनाओं में जी रहे ये देश सुन लें, युद्ध भी है यहाँ, युद्ध भी है यहाँ, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। तो आज यथार्थवाद की राजनीति में बुद्ध के साथ भारत युद्ध करने में भी सक्षम है, लेकिन वास्तव में दुनिया को अगर भारत ने कुछ दिया है तो वो बुद्ध दिए हैं और दिया है अहिंसा का संदेश। खैर, ध्यान रखना
उन बुद्ध की चर्चा करते हुए हम उनकी प्रासंगिकता को सिद्ध कर दें यहाँ कि भारत में कहाँ कहाँ बुद्ध आते हैं। एक तो इनका नाम ही अपने आप में लाइट ऑफ एशिया, इन्हें प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ भारत के एक व्यक्ति को कहा जाता है जो 563 BC में लुम्बिनी ग्राम में नेपाल की तराई में राजा शुद्धोदन के यहाँ जन्मे थे। 563 BC में इनका जन्म हुआ था और 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आज की पूरी यात्रा में हम बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित सारे पहलुओं पर अपना ध्यान या अपनी चर्चा को लेकर जाएंगे। उनकी प्रासंगिकता को हम बता रहे थे कि उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने UNO जैसे मंच पर कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए। और वास्तव में बुद्ध की ही प्रासंगिकता है, युद्ध की प्रासंगिकता नहीं। और भारत ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष दुनिया के देशों को लड़ रहे दुनिया के देशों के सामने अपना पक्ष रखा था कि भारत किसी भी स्थिति में युद्ध का समर्थन नहीं करता। ये बात अलग है कि जब संकट सर पे आ जाए तो भारत अहिंसक तो है, ध्यान रखना, लेकिन कायर नहीं है, जवाब देने में देशों को सक्षम है। खैर, ध्यान रखना, यहाँ हम बात करें बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, उनकी प्रासंगिकता की, तो उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, आप अगर एशिया में जाएं, पूर्व एशिया में जाएं, जापान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये कहाँ भी, ये कहीं भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। बौद्ध धर्म भारत से तो पतन की स्थिति में, आज इस स्थिति में पहुंच चुका कि वहाँ भारत में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, ज्यादा अनुयायी नहीं है, लेकिन पूर्वी एशिया में, खास तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी बौद्ध धर्म का बोल बाला है। इसीलिए इतिहास में गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसी दक्षिण पूर्व एशिया में जब भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर बात करता है तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक भारतीय प्रधानमंत्री हुए हैं इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे जिसको हम कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, और वो लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसमें भगवान बुद्ध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जब भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से विदेश संबंधों पर बात होती है तो भगवान बुद्ध को भी कहीं ना कहीं उस वार्तालाप का केंद्र बनाया जाता है। भगवान बुद्ध की चीज एक और है कि भारत ने जब अपना परमाणु विस्फोट किया, भारत ने जब अपना परमाणु विस्फोट 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया और 1998-99 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया, तो दोनों बार उन्होंने उस परमाणु विस्फोट के प्रतीक को बोला कि बुद्ध मुस्कुराए हैं, बुद्ध मुस्कुराए। हालांकि वो घटना महाजनपद काल के परिप्रेक्ष्य में है जिसमें मगध का और उसके प्रतिद्वंदी महाजनपद का उल्लेख आता है जहां बुद्ध ने स्माइल किया था। तो कहते हैं कि पड़ोसी राष्ट्रों को आगाह करते हुए दुनिया के सामने 1975 में दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्नों को आगाह करते हुए एक शांति प्रेमी अहिंसक राष्ट्र ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, पहली बार आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम का विस्फोट किया था, तो उसमें प्रतीक बनाए थे उन्होंने बुद्ध, और पहली बार उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुस्कुराए। ध्यान रखना, पहली बार उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुस्कुराए, और जब दूसरी बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया तब भी कहा गया था कि बुद्ध पुनः मुस्कुराए। ये दुनिया को मैसेज था कि हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम तो बना लिए हैं लेकिन भारत कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, भारत अपनी मर्यादा में रहेगा, शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपनी शक्ति का अतिशय प्रयोग नहीं करे तो उसे ही
उनकी मर्यादा कहा जाता है। और भारत वैसे ही बुद्ध के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, जिन्होंने शक्तियां होने के बाद भी अपनी शक्ति का अनायास प्रयोग नहीं किया, मानव के रूप में ही उन्होंने सारी समस्याओं को फेस किया और सारी समस्याओं के समाधान